अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पहले तो आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का जो जॉब अपडेट करूँगा वो ओमान का है, ठीक है। तो इसमें फ्रेश और रिटर्न दोनों बंदे अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट ACR और ACNR कोई भी हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप कहीं गल्फ से आए हो जॉब करके और अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया में हो तो भी जॉब को अप्लाई कर सकते हो। और या वीडियो आप देख रहे हो इंडिया के अंदर और कभी पहले गए नहीं बाहर जॉब करने के लिए, इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि अभी मतलब अगर कोई जॉब अच्छा मिलता है अच्छी कंपनी का तो मैं बाहर चले जाता हूँ, ट्राई करता हूँ बाहर जाने के लिए, तो ये इसमें भी आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही है कि आप लोग वीडियो पहले देखो और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जब भी पूरा वीडियो का सिस्टम, पूरा जॉब कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या सारा डिटेल होगा इस वीडियो के अंदर, जब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारा डिटेल मैंने इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो का ज़रा भी स्केप नहीं करना, नंबर लेके व्हाट्सअप नहीं खेलते रहना कि बार बार फ़ोन करते रहो। इसमें क्या होता है कि आपको जो चीज़ मैंने वीडियो में बता रखा हूँ वही चीज़ आप लोग फ़ोन करके सारा चीज़ पूछते हो तो आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं मिलता है, और जब आपको रिप्लाई मिलता है तो मालूम पड़ता है कि वैकेंसी फुल हो गया। तो इसकी वजह से सर हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि आप लोग जो भी है वैकेंसी ही देखो, ठीक है। वीडियो देखो, जब भी समझ में आ जाएगा फिर आपको ये चीज़ डाउट नहीं रहेगा कि अब ये चीज़ यार क्लियर नहीं है और कैसे क्या पूछूँ। और कोई भी पेमेंट इसमें एडवांस नहीं देना है आपको, जो भी सर्विस चार्ज होगा नॉर्मली वो आपका डॉक्यूमेंट आने के बाद ही बता दिया जाएगा कि इसमें अगर आप जाते हो तो टोटल खर्चा क्या जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर वीज़ा सारा रेडी है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओमान के अंदर एक कंपनी है जिसको ऑटो डेंटर का रिक्वायरमेंट है, यानी जो गाड़ी फोर व्हीलर होता है जो एक्सीडेंट ऑक्सीडेंट होता है तो उसको सीधा उधर करते हैं, वो ऑटो डेंटर चाहिए उसको। जिसमें सैलरी 140 है, यानी ओमान का पैसे बड़ा होता है तो ओमान का 140 रियाल ओमानी है। और अगर आप रिटर्न हैं और इतना ओमान 140 रियाल में आप जाना चाह रहे हैं ओमान, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि 140 का इंडिया का कितना बनेगा तो आप गूगल पे जाके सीधा सर्च करके जानकारी ले सकते हैं कि 140 रियाल का इंडिया का कितना पैसे मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो खाना होगा वो आपको इसी के अंदर खाना है 140 में ही। और ड्यूटी 10 घंटे का होगा, 1 घंटा लंच निकाल के, 1 घंटे के बाद में लंच निकाल के 9 घंटा ड्यूटी करना है, प्लस 2 घंटा से 3 घंटा ओवर टाइम भी है, ठीक है। और उसके बाद में हफ्ते दिन आपको एक छुट्टी मिलेगा, प्लस कंपनी आपको रूम देगा रहने के लिए, वहाँ का जो कार्ड होता है इकामा वो भी देगा, और तबीयत ख़राब हो जाएगा वो जो मेडिकल का है वो भी आपको देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। और ये 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल पे जब आप अपना ओमान से इंडिया आएंगे छुट्टी पे तो आपको दोनों साइड का टिकट भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर जाना चाह रहे हो तो इसके अंदर जाने के लिए आपका पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज और पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट और एक CV अच्छे से बनवाओ, और काम करते हुए एक वीडियो अच्छे से बनाओ। उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट आप मेल भी भेज सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ पे जो नंबर मिलेगा व्हाट्सअप वाला उस पर भेज सकते हैं। बस आपको अगर इसमें जाना रहेगा तो फर्स्ट जाके आप डॉक्यूमेंट को पहले रेडी करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का क्या है कि जैसे अपना पासपोर्ट ले लो और फोटो और वैक्सीन का रिपोर्ट लेके कोई कंप्यूटर की दुकान पर चले जाओ, जो आपके बाजार में चौराहे पे नज़दीक जो फोटो कापी का शॉप होता है वहाँ से जाके आप बोलो इसका पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, पासपोर्ट साइज का फोटो, वैक्सीन रिपोर्ट, या स्कैन करके आपके फ़ोन में डाल दे, ठीक है। और उसके बाद वहीं से आप CV बनवा सकते हो, रिज्यूम जो बाई डाटा बोलते हैं, उन्हीं लोग को बताओगे कि CV बनाना है बाई डाटा, मैं ये काम करता हूँ इस काम का, तो लोग बना देगा। आप कितने साल से काम कर रहे हो टोटल उसमें बताना है, तो लोग वही हिसाब से CV अच्छे से बना के आपको वो भी मोबाइल के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। फिर आपको एक वीडियो बनाना है, तो वीडियो मतलब कैसे बनाना है, जहाँ पर आप काम वाम करते हो वहाँ पर आपको जाना है, और उसके बाद में जो वीडियो बनाएगा वो एक बंदे को लो और उसको सारा चीज़ पहले समझा दो, ठीक है। यानी आप जब गाड़ी के पास आएँ, जो भी गाड़ी एक्सीडेंट है उसको सीधा उधर करने के लिए जब बैठते हो तो सर सामान लेके आपको वहाँ पे रहना है। उसके बाद में जो बंदा वीडियो बनाएगा वो मतलब आपका जो शॉप होगा वर्कशॉप, वो वर्कशॉप से बाहर जाए और वहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट करे, फिर मतलब जो शॉप में एंट्री मारेगा आपका अंदर ही लेगा, वो पूरा दिखाए कि मतलब हाँ ये शॉप है, ऐसा वीडियो उसके ऊपर करना है। उसके बाद में फिर आपके पास करीब आना है, आपका नाम पूछेगा, मेरा नाम क्या है, तो आपको अपना नाम बताना है, और मेरा नाम ये है, मैं इतना उम्र है मेरा, और मैं इंडिया में इस सिटी से रहने वाला हूँ, और ऑटो डेंटर का मैं काम करता हूँ, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, इतना टोटल मेरे पास एक्सपीरियंस है, और ये अभी मैं काम करके जा रहा हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। बस उतना बोलने के बाद फिर अपना काम वाम करो, और काम करते हुए थोड़ा बहुत काम करो, वो वीडियो अच्छे से बना ले, और उसके बाद वीडियो पूरा वर्कशॉप में जो गाड़ी वाड़ी पुरानी खड़ी होती है एक्सीडेंट टूटे फूटे वो सारा अच्छे से बना के वीडियो अच्छे से शूट कर लेना है। और सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो व्हाट्सअप है उसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेजना है, व्हाट्सअप पे भेजना है, फिर आपको बता देना है कि मैं ऑटो डेंटर के लिए डॉक्यूमेंट भेजा हुआ हूँ, और उसके बाद में ये मैंने जॉब देखा था ओमान का उसी में आपको मुझे अप्लाई करना है,
आपका डॉक्यूमेंट आएगा, सारा कुछ ओके है तो आपको पहले बता दिया जाएगा इस जॉब में जाने के लिए ये सर्विस चार्ज लगेगा, यानी टिकट विकेट का ये खर्चा जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि हाँ ठीक है मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, तो आपका डॉक्यूमेंट कंपनी को जाएगा। उसके बाद में आपको आपको बताया जाएगा कि मेडिकल कहाँ होना है। मेडिकल से वो लाइन है, अपॉइंटमेंट लाइन से निकाल के और जहाँ पे भी नियर में आपको पड़ता है वहाँ का अपॉइंटमेंट लेके उस हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल हो जाएगा, वहाँ से भी करा सकते हो। और फिर आगे मेडिकल फिट होने के बाद आपको बताया जाएगा, तो आप डॉक्यूमेंट बाय कोरियर से भी भेज सकते हो, नहीं तो ऑफिस पर भी आके जमा कर सकते हो। कोई पेमेंट नहीं देना है सब। फिर आपका वीज़ा अप्लाई होगा, वीज़ा आने के बाद आपको वीज़ा कॉपी दिया जाएगा। आप चेक करो आपको सारा चीज़ सही लगता है तो पेमेंट करोगे, आपका टिकट हो जाएगा। यही सारा प्रोसेस है। और अगर आप कोई दूसरा जॉब सर्च कर रहे हो तो ये चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो लिस्ट आप जाके देख लो, बहुत सारा वैकेंसी डेली मैं अपडेट करता रहता हूँ। चैनल का जो कम्युनिटी वाला पेज है उस पेज पर भी आप लोग विजिट किया करो, वहाँ डिमांड मैं 3-4 डिमांड डेली डालता हूँ, क्योंकि वीडियो डेली डाल नहीं मिलता है। एक वीडियो ही बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक वीडियो बनाओ फिर उसको एडिट करो अपलोड करो तो टाइम बहुत हो जाता है। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए, आप लोग के लिए, क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि बहुत से बंदे जो पढ़े लिखे भी होते हैं वो भी डिमांड देख के नहीं समझ पाते हैं पूरा चीज़, फिर फ़ोन पे ही जानकारी वो लोग लेते हैं। तो इसकी वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ कि वीडियो में आपको सारा चीज़ डिटेल मिल जाएगा, और जो चीज़ आपको जानना होता है जो भी जॉब के लिए उसका मैं जो जॉब का बारे में अपडेट करता हूँ वीडियो, उसमें सारा चीज़ मैंने बहुत डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कभी भी वैकेंसी देखो तो पूरा अच्छे से वॉच किया करो। बाकी और कुछ पूछना है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ये सब अगर फेसबुक ये सब यूज करते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ पे जाके फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके रखेंगे तो वहाँ पे डेली 3-4 वैकेंसी अपडेट करता हूँ, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में डालता हूँ, जो 60 सेकंड के वीडियो के अंदर सारा डिटेल मैंने जल्दी से दे देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे बहुत से बोलते हैं ना कि यूट्यूब पे बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिलता है, इसकी वजह से पूरा वीडियो देख नहीं मिलता है, फिर बात को समझ मिलता नहीं है कि कैसा क्या करना है, फिर फ़ोन करो फ़ोन का जवाब जल्दी मिलता नहीं है। तो वो लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ से भी जो जॉब का अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी का वीडियो कैसे लगा लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, बाकी अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।